Hi, first of all, congrats to everyone who secured the seat in the Dream B school, that is IIM Ahmedabad, in the first list. But अभी इशू हो रही है कि सर मेरा वेटिंग लिस्ट में है, वेटिंग लिस्ट 2, 3, 4, 5, वेटिंग लिस्ट 20 है, क्या ये कन्वर्ट होगा या नहीं होगा? तो ऑन द बेस ऑफ द आरटीआई मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड मोमेंट ऑफ IIM Ahmedabad for the batch of 2022-24. So let's start the discussion. First of all, आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर शॉर्टलिस्ट कितने हुए. There is approx 385 seats IIM Ahmedabad for the PGP course है, which could be increased or decreased as per the seats. So कभी increase करते हैं, decrease करते हैं, but it is roughly 389 seats हैं. तो इस बार अगर देखा जाए तो for this 385 they shortlisted 692, 37, 344, 182, 110 and 44 in their respective categories. So total उन्होंने 1409 shortlist की है, approx 385 seats. That means 3.5 or 3.6 times of their vacancies. तो मतलब एक सीट पे अराउंड वो 4 बच्चों को बुलाए एंड उन्हें शॉर्टलिस्ट किया फॉर द राउंड 1 एंड कुछ बच्चों को वेटिंग लिस्ट में दिया. सो आप सोच सकते हो कि बॉस अहमदाबाद में वेटिंग लिस्ट मूवमेंट होगी क्या? यस, अहमदाबाद से लोग बैंगलोर मूव करते हैं, अहमदाबाद से लोग कैलकाटा मूव करते हैं. इफ दे वांट द फाइनेंस, इफ दे वांट द यू हैव अ ग्रेट प्रोफाइल, तो बैंगलोर मूव करना चाहते हैं. समटाइम्स अहमदाबाद से लोग बाहर भी निकलते हैं, दैट इज फॉर दी GMAT के थ्रू. तो अहमदाबाद में मूवमेंट होती है, तो अब देखते हैं कितनी मूवमेंट होती है, क्या आप उस मूवमेंट में वेट लिस्ट को क्लियर कर पाओगे या नहीं. बिकॉज IIM अहमदाबाद इज द ब्रांड अ ड्रीम, दो बी एंड सी एंड ए में कौन ज्यादा बेटर है डोंट नो, किसी को नहीं पता है, सारे रैंकिंग्स में अप एंड डाउन हो सकते हैं, बट थ्री ट्रिनिटी हैव देयर इक्वल स्पेस इन द ब्रांड IIM. चलो देखते हैं कि वेटिंग लिस्ट मूवमेंट क्या हुई इन द बैच ऑफ 2022-23. That means लास्ट बैच में वेटिंग लिस्ट कितनी थी? फॉर द जनरल 39 वेट लिस्ट मूव हुई थी, बहुत अच्छे नंबर्स थे. EWS में वेट लिस्ट 3 मूव हुई है एज पर द RTI लास्ट ईयर. 27 इन द NCOBC, 23 इन द SC, 4 इन द ST एंड द PWD में 4 मूव हुई है. तो अब देखते हैं, ये तो हमारा लास्ट ईयर का था, तो हो सकता है इस ट्रेंड के बेसिस पे कुछ भी बोलना टफ हो सकता है. तो लेट्स एक ईयर बैक चलते हैं, दैट इज 2022. जनरल अप्रॉक्स 31-30 के करीब मूवमेंट हुई थी. देन द EWS में 1 या 2 मूवमेंट हुई थी. OBC में जो मूवमेंट हुई थी 25-26 मूवमेंट हुई थी. SC की जो मूवमेंट हुई थी वो 23-24 की मूवमेंट हुई थी, इसे 25. ST की जो मूवमेंट हुई थी दैट इज 8 मूवमेंट हुई थी एंड द PWD में 5-6 मूवमेंट हुई थी. ये आपका क्या है 2022 की मूवमेंट्स है एज पर द RTI. सो मेक इट 30, मैं इसको अगर 30 बोल दूं, यहाँ पे EWS की 1-2 मूवमेंट हुई, 25 यही है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस अगर आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि कल मेरे पास मैसेज आया था, सर आई एम फ्रॉम द EWS और मेरा वेट लिस्ट 3 है, तो क्या ये मूवमेंट होगा 2022 में? दैट इज 2022 का जो बैच था उसमें 1 या 2 मूवमेंट हुई थी, लास्ट ईयर 3 मूवमेंट हुई थी. क्या EWS के 3 मूवमेंट होंगे? देखो एज पर माई बैच प्रोफाइल, जो मेरे बैच के लोग हैं या जो बाकी किसी और बैच में पढ़ते हैं और मेरे से कनेक्टेड हैं, मुझे बहुत लोगों का पता है दे कन्वर्टेड द होली ट्रिटी, दैट मींस ABC उनका कन्वर्ट हुआ है. एंड आई नो पीपल आर मूविंग फ्रॉम A to C एंड द A to B एज पर देयर प्रोफाइल. आप बोल सकते हो कि सर व्हाई A to B A to C क्यों मूव करते हैं? दे हैव देयर ओन प्रोज एंड कॉन्स, तो वो मूवमेंट होगी. मुझे लगता है कि इस बार भी मिनिमम 2 मूवमेंट तो EWS में होनी चाहिए, 3 भी जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है. योर वेटिंग लिस्ट इज 3, अगर आपका वेटिंग लिस्ट 3 है तो यू आर ऑन द बॉर्डर लाइन, आप मान के चलो कि चांसेस आपके साथ हो सकते हैं. बी पॉजिटिव. फॉर द जनरल दिस इज 30 to 35. आई थिंक 32 मूवमेंट होनी चाहिए, दिस इज माई एक्सपेक्टेड. दिस कुड हैव सम एरर ऑफ द 5%, ये हो सकता है फॉर दिस बैच ऑफ 2022-24. एक्चुअल डेटा तो फिर अगेन RTI के बाद ही समझ में आएगा आफ्टर जून जुलाई. For the OBC, I personally believe कि again 25 मूवमेंट तो होनी ही होनी चाहिए. For the SC, I personally again say कि 22 मूवमेंट होनी चाहिए. For SC/ST, it should be the 5 to 6 मूवमेंट. PWD में भी 4-5 मूवमेंट होगी. तो ये मेरा टेंटेटिव मूवमेंट है एज पर माई रिसर्च, जो मैंने बच्चों से बात की विच कन्वर्टेड ABC और जो प्लान कर रहे थे बाहर जाने का, बट A के बाद 1-2 बच्चों ने प्लान ड्रॉप किया. उन्होंने कहा कि नहीं A को ही ज्वाइन करेंगे, टेकिंग अ रिस्क एंड दिस टाइम कुड बी अ पेनफुल डिसीजन इन फ्यूचर. तो ABC की जो मूवमेंट है मुझे लगता है 30-32 मूवमेंट जनरल की होगी. 2-3 मूवमेंट्स तो आपकी EWS में फिर से जानी चाहिए. NCOBC की अगेन 22-25, मैंने 25 लिया है, इतनी होनी चाहिए थी। सारी लिस्ट अगर देखा जाए एससी में भी 22 मूवमेंट होनी चाहिए, एसटी शुड बी द 4-5 मूवमेंट तो जाएगा ही जाएगा, बट मान के चलो ऑन अ सेफर साइड 4 ही मान लो, बट 5 भी जाना चाहिए। पीडब्ल्यूडी में 4 और 5 मूवमेंट तो होगी। तो ये मेरा एक्सपेक्टेशन है फॉर दिस ईयर बैच की क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। अगर आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी डिस्कस करना चाहते हो, तो आप मुझसे 9905050159 पे व्हाट्सएप करके या कॉल करके मेरी टीम से बात कर सकते हो, वो कनेक्ट कर देंगे। या अगर आप मेरे से फेसबुक ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप या लिंक्डइन पे कनेक्ट हो तो आप मुझसे वहां डिस्कस कर सकते हो। एंड इफ यू वांट सजेशंस, एनी सजेशन आप यहां से पूछ सकते हो। फॉर द बैच ऑफ कैट 2022 वी हैव अ ग्रेट रिजल्ट इन द 21 एंड सो ऑन। आपके इस यूट्यूब चैनल पे भी या ग्रुप पे भी वो रिजल्ट बहुत ज्यादा पब्लिश हो रहे हैं। फॉर द कैट 2022 फ्रॉम द बॉटम, नहीं मुझे IIM अहमदाबाद का ड्रीम नहीं देखना है, मुझे एमिटी भी ड्रीम चलेगी या नहीं, आई एम लुकिंग फॉर द अहमदाबाद। वी हैव अ ग्रेट बैच फॉर द पर्सनलाइज, अच्छा नहीं इस लेवल पे ये चलेंगे ये करेंगे। एंड आई एम रनिंग दिस बैच ऑन दी अनअकैडमी, मैं इसे अनअकैडमी पे रन कर रहा हूँ। यू कैन फॉलो मी अनअकैडमी विद द हैंडल ऑफ kramiya, आप इस हैंडल से फॉलो कर सकते हो। मेरा अनअकैडमी का हैंडल भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप मुझको वहां से जाकर फॉलो कर सकते हो। इफ यू वांट टू ज्वाइन माई बैचेस, ज्वाइन अनअकैडमी, वहां पे आपको मेरा पूरा बैच मिल जाएगा, क्वांट का, एलआर्ट का, डीआई का, फ्रॉम द बेसिक टू बूस्टर। यूज द कूपन कोड kramiya टू गेट The attractive. So I hope it is okay. But still अगर कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लो। Again I would say join the Telegram and the Facebook group. Links description में दिया है, जिसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन एंड क्वेश्चन शेयर होते रहते हैं, आपके डाउट डिस्कस हो सकते हैं। मैंने हर एक स्टेज पे बेस्ट देने की कोशिश की है। आपके कोई भी डाउट हो फील फ्री टू पिंग मी ऑन द टेलीग्राम और द फेसबुक और द लिंक्डइन। आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट, सो आप दो अपना बेस्ट एंड गेट द बेस्ट रिजल्ट फ्रॉम दिस सिचुएशन। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी कॉन्सेप्ट या किसी लर्निंग के साथ। बाय बाय।